आज स्टार्ट करते हैं दूसरा वीडियो। हमारा चैनल ए टू जेड क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो रहेगा, दो तीन वीडियो उसका रहेगा, उसमें सिर्फ नरेशन और वॉइस ही रहेगा। नरेशन और वॉइस के अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, फिलहाल अभी उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माय फादर सेड डैट ही खाली स्थान टू दरभंगा। सेड यहाँ पर देखिए आया है, पास्ट फॉर्म है इसका, और पास्ट फॉर्म इसका आ गया है इसलिए हमें आगे आने वाला जो वर्ब चाहिए वो पास्ट में चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए वाज गोइंग लिखा हुआ है, बी में इज गोइंग, सी में विल गो, डी में नन। तो पास्ट फॉर्म दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर ए है वाज, क्योंकि वाज से था थे थी हिंदी होता है इसका, इससे पास्ट का बोध होता है, इसलिए ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर एक का आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही बिहेव्स एज इफ ही खाली स्थान माई बॉस। कल वाले वीडियो में हमने बात किया था, पिछले वाले वीडियो में, कि अगर आपको कहीं पर आई बिस रहे, एज इफ रहे, एज दाव रहे, देखिए इसमें एज इफ आया है, तो इन सबों के साथ बास का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, इनके साथ ऑलवेज वेयर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तो का आंसर हो जाएगा बी, वेयर। तीन नंबर देखते हैं, सी खाली स्थान बिफोर हर हस्बैंड केम। यह जो देखिए सेंटेंस लिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस से लिया गया है, क्योंकि जब भूतकाल में दो काम होता है और एक काम दूसरे काम से पहले पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो पहले समाप्त होने वाले काम को रखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो काम बाद में समाप्त होता है उसको रखा जाता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें करा हर हस्बैंड केम लास्ट में आया है, तो इससे पहले क्या हो चुका है कि वो कोई मर चुका है, किसी लड़की के बारे में या औरत के बारे में कह रहा है कि वह मर चुकी थी अब उसके हस्बैंड के आने से पहले, तो जो काम पहले होता है उसके साथ हेड प्लस वी थ्री का इस्तेमाल किया जाता है, और जो काम बाद में होता है उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बात और याद रख सकते हैं हम लोग, जब भी बिफोर रहेगा तो हेड प्लस थ्री, हेड प्लस वी थ्री पहले होगा, और अगर यहाँ बिफोर की जगह आफ्टर रहेगा तो हेड प्लस वी थ्री बाद में आएगा, इसलिए इसके अनुसार ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। तीन का हमारा आंसर हो जाएगा ए। चार नंबर में देखिए है ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन, वर्क हार्ड लेस्ट यू खाली स्थान फेल। इसमें आपको याद रखना है कि लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, बस यही इसका एक उपाय है, इसको हमेशा याद रखिएगा, लेस्ट के साथ ऑलवेज अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो इसके साथ शुड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, सी सेड टैट सी खाली स्थान डू। यहाँ पर देखिए सेड हमारा पास्ट फॉर्म आया है, इसलिए ऑप्शन में हम पास्ट फॉर्म वाला खोजेंगे। कैन देखिए पास्ट का बोध नहीं होता, सेल से पास्ट का बोध नहीं होता, बिल से भी पास्ट का बोध नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए कुड लिखा हुआ है, इससे पास्ट का बोध हो रहा है, इसलिए पाँच का हो जाएगा हमारा आंसर सी। छः नंबर में यू खाली स्थान कीप योर प्रोमिस। तो इसके साथ कह रहा है कि तुम्हें अपना प्रोमिस वादा रखना चाहिए, या जो भी किसी से वादा करो उसको निभाना चाहिए, वादा करके किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर शुड इसका आंसर हो जाएगा, छः का ऑप्शन ए हो जाएगा। सात नंबर हमारा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, मुकेश ट्रेवल टेस्ट ट्रेन। यात्रा करने के संदर्भ में पिछले वीडियो में भी बताया गया था तीन तरह के सवाल आपको आएंगे, एक किसी दूसरे का वाहन रहेगा, दूसरा खुद का वाहन रहेगा, और तीसरा हम स्वतंत्र रूप से यात्रा करेंगे, उन्मुक्त रूप से, उसमें हमको किसी प्रकार का खर्च नहीं लगेगा या कोई कहने वाला नहीं रहेगा। तो जो स्वतंत्र रूप से यात्रा किया जाता है उसके साथ ऑन लिखते हैं, जैसे ऑन फुट पैदल चलना। जब हम
किसी दूसरे के वाहन में, यानी कि हमारा मालिकाना अधिकार उस पर नहीं रहता है, हम उसके अंडर में यात्रा करते हैं, तो उसके साथ बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय बस। और इसमें एक बात और ये याद रखना है कि बाय ट्रेन, बाय बस में कभी भी बाय द ट्रेन, बाय द बस नहीं लिखना है, जब भी होता है इसमें आर्टिकल नहीं लगता है, जब भी होता है बाय ट्रेन, बाय बस होता है। तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, बाय। 8 नंबर में देखिए कह रहा है ही प्रीफर्स टी, खाली स्थान, कॉफी। इसमें देखिए तुलना कर रहा है कि किसी व्यक्ति को क्या पसंद है, टी पसंद है या कॉफी पसंद है। तो जब प्रीफर के साथ लगा हुआ रहता है तो प्रीफर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का, इसलिए हमारा इसमें 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 9 नंबर में भी प्रीपोजिशन है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, इसलिए कह रहा है कि मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, इसलिए 9 नंबर में हो रहा होगा आंसर, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ऑप्शन नंबर बी। इफ यू कम हेयर आई, खाली स्थान, यू। या देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य लिया गया है। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो जहाँ से कंडीशन शुरू होता है, इफ लगा हुआ रहता है, भेन लगा हुआ रहता है, उसको रखा जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही। लेकिन जहाँ कंडीशन नहीं रहता है उसके साथ शैल या बिल का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वाक में जहाँ से कंडीशन शुरू होगा उसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है, और जहाँ कंडीशन नहीं रहेगा, मैं गया मिनिस्टर से मिलने के लिए, मिनिस्टर को देखने के लिए, दोनों सेंस यहाँ पर आ रहा है। तो जब भी वाक में दो वर्ब रहता है तो लास्ट वाला जब भी वर्ब आता है तो उसके पहले टू लगाया जाता है, तो ऐसा ऑप्शन 11 नंबर में केवल एक एक ही है, ऑप्शन नंबर सी में, टू सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आई वेंट टू सी द मिनिस्टर। तो 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा 11 का सी सी टू सी। आगे बात करते हैं 12 नंबर की, सी लाइक्स यू, क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है ये। तो V5 लगाया तो हमको डच चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टाइप निगेटिव चाहिए, सी प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो 12 नंबर का हमारा हो जाएगा डजंट सी, 12 का B। 13 नंबर सैनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द होता है, अल्ट्रस्ट का होता है परोपकारी। परोपकारी का हमको पर्यायवाची शब्द खोजना है, सैनोनिम्स खोजना है। तो एक या दिया है, में दिया है जेनरस, जेनरस मतलब उदार, डिवीजन मतलब बंटवारा या भाग भी कर सकते हैं, डिजायर इच्छा, नन इनमें से कोई नहीं। तो उदार और परोपकारी, जेनरस मतलब उदार भी होता है, परोपकारी भी के सेंस में भी इसको ले सकते हैं, इसलिए अल्ट्रस्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ए, जेनरस। आगे दिया अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, आगमन का हमारा उल्टा चाहिए हमको, एंटोनिम्स मतलब उल्टा होता है, सिस्टम मने प्रणाली, लेंथ मने लंबाई, डिपार्चर मने होता है प्रस्थान। आगमन, आगमन का एंटोनिम्स जो होगा, अराइवल का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिपार्चर, इसलिए 14 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर देखते हैं, फ्रेज देखिए भरने के लिए दिया हमें, द डॉक्टर एडवाइज मी टू, खाली स्थान, ड्रिंकिंग। कह रहा कि डॉक्टर उसको सलाह दिया, ड्रिंकिंग मतलब शराब पीने, अब शराब पीने का सलाह तो नहीं है देगा, उसको छोड़ने के लिए कह रहा है, तो जब शराब छोड़ने के लिए कह रहा है तो छोड़ना का मीनिंग होता है गिव अप, गिव अप मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, एबांडन, फोरसेक, गिव आउट मतलब होता है प्रकट होना, मेकअप मतलब क्षतिपूर्ति करना, नन मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसमें गिव अप होगा जिसका हिंदी होगा हमें छोड़ना, तो डॉक्टर शराब छोड़ने की सलाह दे रहा है। 16 नंबर में है टेक ऑफ, या भी फ्रेज है, जब भी कोई एरोप्लेन, हवाई जहाज जब जमीन से नीचे उड़ता है तो उसको टेक ऑफ कहा जाता है, वैसे स्थिति में भूमि को छोड़ देता है, रिमूव कर देता है, तो टेक ऑफ का है हमारा आंसर हो जाएगा रिमूव, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर देखेंगे, हार्ड एंड फास्ट,
हार्ड एंड फास्ट का जो साइनोनिम्स होता है, सॉरी जो फ्रेज का अर्थ होता है वो होता है स्ट्रिक्ट, एकदम कठोर। तो 17 नंबर का हमारा हो जाएगा ए। फ्रेज वगैरह थोड़ा ज़्यादा ध्यान से याद रखना है, बाकी सबको जितना मेहनत हो सके और भी बुक से सभी को पढ़ने हैं। बाकी हम ऑब्जेक्टिव में कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकें ऑब्जेक्टिव में। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9709345895, और हमारे चैनल A to Z क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करके वीडियो को अपलोड करते हैं आपके लिए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।